गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे अभी करेंट में आपका एक लेशन कंप्लीट हुआ, वो लेशन जैसे अभी तुरंत भर में, तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन के यूनिट के बाद में जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम लोगों को जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन, ये तीन लेशन को देखना है। लेकिन उस लेशन को अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में जो थर्ड यूनिट है उस यूनिट में जो है वो तीन लेशन है। फर्स्ट लेशन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो थर्ड यूनिट है। आइए थोड़ा सा इधर देखेंगे यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में आपको थ्री लेशन है। एक लेशन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेकेंड लेशन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेकेंड लेशन है आपका स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एंड थर्ड लेशन है स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और थर्ड लेशन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम लोग पहले ये दो लेशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड सेकेंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, अब ऐसा क्यों? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी इंपॉर्टेंट लेशन है कि हम कैसे बीमार पड़ते हैं और उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर कैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, तो उसको हम लोग लास्ट करेंगे। एक्चुअल में हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद ऑफलाइन स्टार्ट हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेशन जो है जैसे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट लेशन है वो आपको हम ऑफलाइन करा सकें। ठीक है, तो स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस एंड व्हेनेवर आवर क्लास विल स्टार्ट ऑफलाइन में मोड, देन वी विल लर्न जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चलेंगे हेडिंग देंगे स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिए बेटा, एक्चुअल में इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड के प्रोडक्शन को एनहांस कैसे कर सकते हैं, वो क्या रहा है, डे बाय डे ह्यूमन का पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो इस ह्यूमन के पॉपुलेशन को बढ़ने से जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगी। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्री है जहाँ पे भुखमरी बहुत ज्यादा है। भुखमरी कहने का मतलब खाने को लोगों को पैसे की वजह से भुखमरी नहीं है, अगर किसी चीज की प्रोडक्शन हाई होगी तो हाई प्रोडक्शन होने की वजह से वो जो फूड है उसका रेट डाउन होगा, यानी वो सस्ते होंगे, जिसकी वजह से सभी लोग आसानी से खरीद के खा सकेंगे, और जैसे ही फूड का प्रोडक्शन कम होगा उसका प्राइस हाई होगा, जिसकी वजह से बहुत लोग खरीद के खा नहीं खाएंगे तो भुखमरी होगी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अब पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से ये जो फूड है उनको हम लोगों को मेजर रूप से इंक्रीज करना पड़ेगा फूड के प्रोडक्शन को, और इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। टेक्निक कहने का मतलब दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम अपने फूड के रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए
एक्चुअली ये काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो फटाफट लिख के और वीडियो को समझ के चलना है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड increasing food production is increasing food production is major major necessity it is done by और इस चीज के इस major necessity को हम लोग complete कैसे करते हैं, so done by एक है हमारा animal husbandry and second one is plant breeding। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों को क्या क्या डील करना है और प्लांट ब्रीडिंग में इस लेसन में हम लोग क्या क्या डील करेंगे वो सारी चीजों देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जिसकी वजह से हमारे फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, यानी कि फूड का जैसे मीट का, एग का, फिर आपका हनी का, फिशरी फिश का, हम लोग क्या क्या खाते हैं एनिमल के थ्रू, एनिमल से क्या क्या लेते हैं, तो एज ए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के रूप में हम लोग या तो अंडा लेते हैं, मीट लेते हैं, दूध लेते हैं, हनी लेते हैं। ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनके प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे तो इससे हमारा ये फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। जितना ज्यादा अंडा होगा यानी एग जितना ज्यादा हमें मिलेंगे उतना ज्यादा हमें प्रोटीन वगैरह मिलेगा, जिससे न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो कम होगी। तो इसके लिए एग के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो एग का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, तो एग का प्रोडक्शन बढ़ेगा पोल्ट्री फार्म से, तो आया ना पोल्ट्री फार्म, इसीलिए पढ़ते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। फिश का कैचिंग, फिश का सेलिंग, ये सारा चीज तो वो आता है फिशरीज में। उसी तरह बेटा मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पनीर हो गया, चीज हो गया, ये सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो कर्ड हो गए, बटर हो गया, घी हो गए, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या हम लोग करते हैं इसके लिए, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। तो ये सारा चीज की जो स्टडी है वो हम लोग यही सारा चीज जो है वो देखेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें, डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म फिशरीज एग्रीकल्चर एनिमल ब्रीडिंग ओके। अब प्लांट ब्रीडिंग में, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या देखेंगे, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर्म यानी प्लांट में ब्रीडिंग क्यों करते हैं, दो अलग अलग वेराइटी के या दो अलग अलग प्लांट को ब्रीड करा के एक नए प्लांट को तैयार करना, और वो प्लांट या तो डिजीज के रेसिस्टेंस होना चाहिए या उसे हाई वेराइटी ऑफ यील्ड मिलने चाहिए, यानी कि जो चीज के लिए हम कर रहे हैं उससे फूड हमारा ज्यादा प्रोडक्शन हो सके ओके, या फिर वो कम समय में ज्यादा फूड दे सके। तो ये सब चीज के लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस करते हैं। तो पहले हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस, और प्लांट ब्रीडिंग किस लिए, तो
क्या क्या हमारा मोटो होना चाहिए? तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग फॉर हाइब्रिड के बाद में प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव फूड क्वालिटी सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। तो प्लांट ब्रीडिंग में ये सारा चीज पढ़ेंगे, यानी प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस। और प्लांट ब्रीडिंग किस लिए करते हैं बेटा? तो प्लांट ब्रीडिंग हम करेंगे, ऐसा प्लांट तैयार करेंगे जो एक पार्टिकुलर डिजीज से या एक से ज्यादा डिजीज से रेसिस्टेंस हो, यानी उसमें आसानी से डिजीज नहीं हो, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा फूड, जैसे हम राइस है, ऐसा राइस प्लांट तैयार करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीडलिंग हो। जितना ज्यादा से ज्यादा सीडलिंग होंगे बेटा, उससे क्या होगा, ज्यादा राइस मिलेगा हमें, तो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी। या फिर फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करना, यानी हम चाह रहे हैं कि ऐसा हम फूड तैयार करें जिसमें विटामिन सी ज्यादा मिले। अभी विटामिन सी के लिए लोग कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग ऑरेंज खरीद के खा रहे हैं, तो क्या क्या खा रहे हैं, तो क्या है, तो ऐसा फूड तैयार करें जिसमें विटामिन सी ज्यादा मिले, यानी फूड की क्वालिटी को हम लोगों ने इंक्रीज किया। उसी तरह फिर है टिश्यू कल्चर, यानी प्लांट के लिए। तो टिश्यू कल्चर में बहुत सारा चीज देखेंगे, सोमैटिक टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ये सारा चीज आएगा। तो ये एक ओवरव्यू बात हुई कि इस लेसन में हम लोगों को प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये चीज पढ़ेंगे और एनिमल ब्रीडिंग के हस्बेंड्री के अंदर ये चीज पढ़ेंगे। ओके, अब चलिए अब हेडिंग देंगे एनिमल हस्बेंड्री। अब हेडिंग है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन क्या कहता है? तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ये एक ऐसा एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल्स को रखने के बारे में समझते हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग, फिर हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन करके उनको डिजीज से बचाना और उनसे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसको बढ़ाना, ये सारी चीज का जो इसमें डील होते हैं वही होते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which deal with feeding, breeding, housing and health care of livestock for maximum benefit.
यानी कि फीडिंग को बढ़ाना, ब्रीडिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा उनसे बच्चे हो सके, यानी ब्रीड नए ब्रीड आ सके, खाना वगैरह जो दिया फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग यानी उनको रहने के लिए अच्छे से घर वगैरह, जैसे रूफ वेट फ्रीज, ये रेन रेजिस्टेंस हो, ये सब धूप से बच सके, पानी से बच सके, एंड हेल्थ केयर, ये सारा चीज जब किसी एक चीज में डील होता है दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और ये काम करते क्यों है हम लोग, तो अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए करते हैं। अब आइए, तो कहता है द वर्ड हस्बेंड्री मीन्स the management of, means the management of domestic affair, domestic affair, domestic farm domestic farm management sorry dairy farm। अब हम लोग पढ़ना है इसमें नया नहीं देंगे, dairy farm management। डेयरी का मतलब क्या होता है, डेयरी का मतलब है कि फूड एंड फूड प्रोडक्ट को इंक्रीज कराना। और फूड और फूड प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल में हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, तो मिल्क के लिए जो चार इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, काउस, बफेलोज, सीप एंड गोट, ठीक है, जिसमें से काउस एंड बफेलो से हमें सबसे ज्यादा मिल्क मिलता है, सीप एंड गोट से बहुत कम मिल्क मिलता है। तो मेन रूप से हम लोग काउस एंड बफेलो को लेके चलते हैं, ओके। तो चलिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट, तो डेयरी का मतलब क्या हुआ, डेयरी का मतलब होता है डेफिनेशन, डेयरी इज द मैनेजमेंट ऑफ, डेयरी इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर animals and feeds for milk and feeds its product. Human consumption कहने का मतलब हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं, तो ह्यूमन कंजम्पशन कहने का मतलब कि जो हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारा ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए है। डेली घर में चाय के लिए दूध आती है, पीने के लिए दूध आता है, पनीर लाते हैं, बटर लाते हैं, दीज आर द मिल्क प्रोडक्ट, ओके। Buffalo, goat, sheep are for milk. For milk. In which cow and buffalo gives more milk. गाय और भैंस से यानी cow और buffalo से ज्यादा milk हमें मिलती है, sheep और goat से बहुत कम milk मिलता है। तो जितने भी एक्चुअल में डेयरी फार्म है वो
वो मेन रूप से काउस एंड बफेलो मिल्क के ऊपर ही काम करते हैं। ओके, अब देखो काउ का मिल्क जो होता है वो थोड़ा येलोइश होता है, जबकि बफेलोस का मिल्क जो होता है वो येलोइश नहीं होता है। ऐसा क्यों? आपको डाइजेशन एंजाइम जैसे ने मैंने बताया कि काउ के मिल्क में कैरोटीन होने की वजह से वो स्लाइटली येलोइश होते हैं, और बफेलोस के मिल्क में येलोइश यानी कैरोटीन नहीं होगा जिसकी वजह से वो येलोइश नहीं होंगे। तो काउ मिल्क में ये चीज डाइजेशन एंजाइम जैसे ने मैंने आपको बताया है, तो काउ मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीन येलोइश ड्यू टू कैरोटीन बफेलो मिल्क डज नॉट कंटेन in dairy management process and system that increase yield and improve quality of meat, that increase yield and improve quality of मिल्क। तो डेयरी हम लोग डेयरी मैंने फार्म मैनेजमेंट करते क्यों हैं? ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सके या मिल्क के प्रोडक्ट को हम बढ़ा सके और साथ ही साथ यानी कि इंक्रीज यील्ड यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाया एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क यानी जो मिल्क है उसकी क्वालिटी को बढ़ा सके, यानी मिल्क में ज्यादा प्रोटीन मिले, ज्यादा फैट मिले, जिस चीज की हम क्वांटिटी चाहते हैं ज्यादा हो। तो एनिमल को ऐसा कौन सा फूड दें जिससे उस मिल्क में पार्टिकुलर प्रोटीन बढ़ जाए, पार्टिकुलर फैट बढ़ जाए, तो ये सब चीज प्रिपरेशन कराना डाइजेस्ट इंक्रीज द यील्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये बात हो गई। ओके, अब नेक्स्ट आइए, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम लोग ये काम कराते हैं। Four essential method four essential method for livestock for tom for livestock improvement। Okay, अब वो four important method कौन से हैं? तो जैसे सबसे पहले क्या हुई बात ब्रीडिंग, तो ये सारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज है जो हमें ध्यान देना, उसमें से एक है फोर एसेंशियल मेथड लाइवस्टॉक इंप्रूवमेंट, और वो फोर एसेंशियल मेथड है जैसे ब्रीडिंग, फीडिंग, हाइडिंग। तो ये सारी चीज, तो ब्रीडिंग में करते क्या है कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मेल और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फीमेल को सिलेक्ट करके उनसे यानी ब्रीडिंग करा करके उससे नए और इम्प्रूव क्वालिटी के बच्चे को पाना, दैट इज कि उनको दोनों सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मेल और फीमेल को मेटिंग करा करके और उससे जो ऑफस्प्रिंग आए वो हाई क्वालिटी का आए, तो उसी का सिलेक्शन करना, दैट इज द ब्रीडिंग। तो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ बोथ सुपीरियर quality of male and female, very quality of male and female
selected for breeding. उसके बाद में सेकंड में है वीडी ऑन इकोनॉमिक एनिमल मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम reproducing. यानी कि जो एनिमल इकोनॉमिक नहीं है यानी उससे हमें बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होना है तो उनको क्यों रिप्रोड्यूस करवाना, उनको रोक देना ताकि वो रिप्रोडक्शन ना करें, तो ऐसे एनिमल की रिप्रोडक्शन को रोकना डेट इज दी वीडी। वीडिंग का मतलब समझते हो, एग्रीकल्चर में वीडी साइड यूज करते थे। वीड का मतलब अनवांटेड चीज, जिसकी जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी वीड को हटाने के लिए वीडी साइड का यूज करते थे, यानी ऐसा केमिकल जिससे वो वीड मर जाए। अब याद करो ऑक्सीन में भी मैंने बताया था कि कुछ डाइकोटिलेडोन वीड को मारने के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीन के वेराइटी को, तो वीडी का मतलब अनवांटेड जो चीज है वो। तो यहाँ पर वीडी वीडिंग का मतलब कि जो अन इकोनॉमिक एनिमल है उनको रिप्रोडक्शन से रोकना। ओके, फिर आइए थर्ड में, ये टू हो गया। थर्ड में फिर हेल्थ केयर का मतलब कि जो हेल्दी एनिमल है
हेल्दी एनिमल एनिमल ईट ड्रिंक्स एंड स्लीप स्लीप वेल रेगुलरली। तो वो प्रॉपर यानी टाइम पे सोएगा, जगह का खाना खाएगा सही से, दैट इज हेल्थ। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू डिजीज, थर्ड है रेजिस्टेंस टू, जो एनिमल जितना ज्यादा मजबूत यानी रेसिस्टेंस होगा डिजीज से वो एनिमल उतना नॉर्मल रहेगा, जिससे उनके प्रॉपर केयरिंग में ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो रेसिस्टेंस टू डिजीज होना, कमजोर एनिमल तुरंत, जैसे एक जो हमारे साथ है वही एनिमल के साथ है, अगर हम कमजोर है, हमारा इम्यूनिटी कमजोर है, तो तुरंत बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो क्या है, हमारी बॉल कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसी तरह बेटा जो एनिमल डिजीज रेसिस्टेंस ज्यादा नहीं होंगे तो वो भी बीमार पड़ेंगे, तो उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट भी हमें क्या होगा, कम हो जाएगा या क्वालिटी सही नहीं रहेगी। तो यहाँ वही चीज है, रेसिस्टेंस टू डिजीज, इसलिए हम लोगों को एनिमल को एनिमल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। फोर्थ है रेगुलर इंफेक्शन, रेगुलर विजिट बाय वेटरनरी डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर वुड बी नेसेसरी। Thank you.
पॉल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ओके, पॉल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पॉल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का, सिंगल फॉर्म
बाय ले ऑन, ठीक है, सिंगल कॉम बाय ले ऑन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है इसको एक के लिए, इस वैरायटी का। द मीट टाइप स्टॉक इज द मीट टाइप स्टॉक इज क्लाइमोट्रॉप कॉर्निश कॉर्निश एंड न्यू हैम्पशायर एंड न्यू हैम्पशायर एंड न्यू हैम्पशायर ब्रू हाउस सेकेंड ब्रूट हाउस ब्रूट हाउस टू बी ब्रूट हाउस ऑफ दी क्राउड फ्री क्राउड फ्री रेन प्रूफ and protected from predator and protected from predators. कहने का मतलब पोल्ट्री फार्म में क्या क्या तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन के लिए जो डिजीज फ्री हो यानी आसानी से इसमें डिजीज नहीं हो और आसानी से डिजीज नहीं होता है तो वैसे कुछ ब्रीड का नाम है जैसे अंडा के लिए यानी एग के लिए सबसे ज्यादा इस ब्रीड को लेते हैं सिंगल कॉर्न व्हाइट लेग हॉर्न और उसी तरह मीट के पर्पस को पूरा करने के लिए डिजीज फ्री जो ब्रीड है वो लेते हैं हम लोग तो वो है प्लाइमाउथ ठीक है कौन सा प्लाइमाउथ रॉक दूसरा है कॉर्निश एंड न्यू हैम्पशायर उसके बाद ब्रूड हाउस यानी जहाँ पे इसको रखते हैं हम लोग तो ब्रूडर हाउस कैसा होना चाहिए तो ज्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए क्राउड फ्री होना चाहिए वेंटिलेटेड होना चाहिए साथ ही साथ प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर यानी कि अगर जहाँ पे मुर्गी पालन करते हैं ना तो वहाँ पे स्नेक वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है तो वैसे यानी कि प्रीडेटर से बचाने वाला तो इसीलिए वेंटिलेटेड होना चाहिए क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए ताकि वो गर्मी के दिन में भी अच्छे से सरवाइव कर सके उसके बाद सैनिटेशन एंड हाइजीन सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी कि वो अच्छे तरह से सैनिटाइज और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहे केयर ऑफ चिकन ड्यूरिंग ब्रूडिंग चिकन ड्यूरिंग ब्रूडिंग ड्यूरिंग ब्रूडिंग फीड मैनेजमेंट फीड मैनेजमेंट लाइट मैनेजमेंट लाइट मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में समर मैनेजमेंट समर मैनेजमेंट तो ब्रूडर हाउस सैनिटेशन एंड हाइजीनिक यानी उसकी साफ सफाई अच्छे से वो ब्रूडर हाउस जो है जहाँ पे उसको रखा गया है वो अच्छे से साफ सफाई हो उसकी ठीक है उसके बाद केयर ऑफ चिकन ड्यूरिंग ब्रूडिंग तो चिकन को अच्छे से रखना पड़ेगा जब उससे यानी छोटे बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं फीडिंग फीड मैनेजमेंट का मतलब उसे कौन सा डाइट दिया जाए खाना में एंटीबायोटिक्स मिला करके देते हैं ताकि वो डिजीज रेसिस्टेंस रह सके ठीक है छोटी वाली चूजे को
लाइट मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर वे में लाइट रहेगा तो अगर कोई प्रीडेटर आता है तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर समर मैनेजमेंट, विंटर मैनेजमेंट भी होते हैं, यानी समर मैनेजमेंट में क्रॉस वेंटिलेशन हो, फैन वगैरह का भी अगर जरूरत पड़ती है तो फैन भी लगाया जाता है, दैट इज द समर मैनेजमेंट। और विंटर मैनेजमेंट में ज्यादा क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता तो ठंडी से भी मुर्गी मर जाएगी या जो भी बर्ड है वो मर जाएगा, तो ठंड से भी बचाना पड़ता है, यही सब मैनेजमेंट हुआ। अब देखो कुछ ब्रीड है जो कुछ देसी ब्रीड है चिकन के, कुछ अमेरिकन ब्रीड है और कुछ इंग्लिश ब्रीड है। अब एक टेबल है, एक टेबल में देसी ब्रीड, दूसरे में अमेरिकन ब्रीड और तीसरे में इंग्लिश ब्रीड। ओके, ये तीनों अलग अलग ब्रीड अलग अलग ये हैं। देसी ब्रीड में असील, चिटगांव मलाय और इसी को मलाय बोलते हैं, चिटगांव या मलाय। उसके बाद में है दूसरा श्रीलंका रघुनाथ, कड़कनाथ ये एमपी में बहुत ज्यादा होता है, कड़कनाथ बहुत फेमस है। और फिर है गैलस, जबकि अमेरिकन ब्रीड है प्लाइमाउथ रॉक, प्लाइमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, एशियाटिक ब्रीड, एशियाटिक ब्रीड, ब्रह्मा, ब्रह्मा कोचिंग लैंसन। फिर है इंग्लिश ब्रीड ऑस्ट्रालॉर, ऑस्ट्रालॉर कॉर्निश, कॉर्निश डॉर्किंग, डॉर्किंग रेड कैप, मेडिटेरेनियन ब्रीड, लेफॉर्न और एनकोना। ठीक है, ये सब ब्रीड के नाम हो गए, यानी ये सब कुछ फेमस ब्रीड है। ये आपको थोड़ा सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कड़कनाथ और असील, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाइमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रालॉर, ठीक है, लेगहॉर्न, रेड कैप, ये सब कुछ ब्रीड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ये सब चीजें नीट में क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछने लगा है तो थोड़ा सा नाम आपको याद रखना होगा। एक्चुअल में सिलेक्शन से नीट में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन, 3 बहुत कम,
1 to 2 क्वेश्चन जनरली रहते हैं, तो इसका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन का ही वेटेज जो है 1 to 2 3 क्वेश्चन है। ओके, 3 रेयरली, जनरली 2 क्वेश्चन। अब देखोगे कुछ डिजीज, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोल्ट्री, इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री के इंपॉर्टेंट डिजीज जैसे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज। ओके, तो वायरल डिजीज, रानीखेत सेल में इसका जो डिजीज है, तो पारामिक्जो वायरस, किसके थ्रू होता है ये, पारामिक्जो वायरस। सेकंड नंबर मरेक्स डिजीज, डिजीज इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये है हर्प्स वायरस, फाउल फॉक्स, फाउल फॉक्स, ये है फॉक्स वायरस, फॉक्स वायरस। नेक्स्ट है फोर्थ बर्ड फ्लू, H5N1 वायरस, H5N2 वायरस। ये है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज में आइए पुडोरम डिजीज, पुडोरम, पुडोरम जो है वो साल्मोनेला पुडोरम से होता है, साल्मोनेला पुडोरम, कोरिजा, कोरिजा है फिलर, पारा गलिनेरा हेमोफिलस, पारा गलिनेरा, गलिनेरा फंगल डिजीज। ओके, प्रोटोजोअस है, प्रोटोजोअस जो है इसको पहले फंगल कर दिया, फंगस, तो उसके बाद में प्रोटोजोन, प्रोटोजोन डिजीज। तो पहले फंगर, फंगर डिजीज में एज पर जीलोसिस, एज पर जीलोसिस, एज पर जीलोसिस होता है जिसके, तो एज पर जीलर टू निगेटस, एज पर जीलर फ्यूमी गेटस, माइकोसिस, कैंडिडा अल्बिकम, कैंडिडा अल्बिकम, प्रोटोजोनल डिजीज, कोपीडी, कोपीडियोसिस,
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी डिजीज होते हैं इनमें, ये तो हो गए पैथोजेन की वजह से, ओके। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी डिजीज होते हैं उनका भी नाम तो लिख देंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इंसिफेलो मलेशिया। इंसिफेलो मलेशिया किसकी वजह से? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। और दूसरा डिजीज का नाम है पेरोसिस, ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग का क्या एडवांटेज है, क्यों करते हैं हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग? तो सबसे पहले तो हमें ऐसा फूड मिलता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, मिनरल्स हो, फैट हो, विटामिन हो, ऐसे फूड को लेने के लिए हम लोग पोल्ट्री फार्म करते हैं, ऐसे फूड को बढ़ा सकें। देखिए आप मार्केट में जाते हैं, चिकन खरीद के घर में बनाते हैं, तो चिकन जो खाते हैं उसे ज़्यादातर क्या मिलते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, तो फूड के लिए करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक अपलिफ्ट एक करके टॉप पॉइंट है, मतलब जो फार्मर इसको बेचते हैं या इसका जो प्रोडक्शन करते हैं उससे उनका इकोनॉमिक बेटरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे पर्पस हैं जिसके लिए ये पोल्ट्री फार्म को हम लोग बढ़ावा देते हैं, यानी करवाते हैं। आइए देखिए उसको, एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री फार्म, एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म के क्या क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहले फूड के लिए, तो फूड में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हमें ऐसा फूड मिलता है जो, तो फूड के रूप में प्रोवाइड एंड मीट, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, सेलिंग ऑफ एंड सेलिंग ऑफ एंड एंड मीट, मीट फार्मर बिकम इकोनॉमिकली बेटर, इकोनॉमिकली बेटर। और मैन्योर, इससे मैन्योर भी बनते हैं, डिफिकल्ट मैटर
फिकल मैटर ऑफ बर्ड बर्ड फॉर रिच मैन्योर फॉर रिच मैन्योर विच इंक्रीज विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये हो गए पूरा का पूरा हमारा यहाँ तक का पार्ट, यानी कि और हम लोगों ने दो चीज डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद के नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को अभी करना है हम लोगों को, अभी फिशरीज एग्रीकल्चर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ओके, अब एनिमल ब्रीडिंग हम लोगों को देखना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। ओके, अभी यहाँ तक करके इसका नोट्स प्रिपेयर करके आप सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।